नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, पराक्रमी महाराणा प्रताप जो देश की धरोहर हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। देखिए, यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हो गया है और हम यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अभी हम मौजूद हैं हातापुर के भाजपा विधायक जो हैं नीरज कुमार बबलू, उनके आवास पर। देखिए किस तरह से पुण्यतिथि को बेहतरीन बनाने की कवायद करी गई है। एक तरह से कहें तो महाराणा की वर्षी मनाई जा रही है यहाँ पर। और ये पूरा नज़ारा देखिए, हम कहेंगे करीने से सारे तस्वीर को दिखाएं कि किस तरह से सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जो हमारे मधेपुरा के क्षेत्रीय सांसद हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर समाज मौजूद है, इंजीनियर समाज मौजूद है, प्रबुद्ध जन मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि सहरसा का पूरा जनमानस यहाँ पर मौजूद है। अधिकांश हिस्सा सर्व समाज का यहाँ मौजूद है और महाराणा की पुण्यतिथि को स्वर्णिम पुण्यतिथि बनाने में पुरजोर कवायद करी जा रही है। हम सबसे पहले विधायक से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मन में यह ख्याल कैसे आया। बबलू जी, पूरा देश महाराणा की पुण्यतिथि मना रहा है आज, कोई नई बात नहीं है। हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये आपके दिमाग में कैसे आया कि पुण्यतिथि को जो है इस तरीके से मनाया? हम लोग हर साल मनाते हैं पुण्यतिथि और इसी तरीके से मनाते हैं। पिछले कई वर्षों से दही चूड़ा का भोज का आयोजन करके हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। पुण्यतिथि का क्या रूप होता है? बरसी है, बरसी में कुछ भोजन तो जरूर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको दही चूड़ा मनाते हैं। डबल चीज हो जाता है, मकर संक्रांति भी है तो दोनों को एक साथ करके हम लोग मना लेते हैं। विधायक जी, आपको ये नहीं लगता है कि महापुरुषों को हमने सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि में कैद कर दिया है, उनको आत्मसात करने की कोशिश? आत्मसात करने का भी कोशिश करते हैं और इसके अलावा कुछ अलग से कुछ करने का कोशिश करते हैं ताकि लोग को महापुरुष याद आए अच्छे तरीके से। बिहार का की राजधानी पटना में भी जो है महाराणा की जो है प्रतिमा नहीं है? लगेगा, लगेगा प्रतिमा, पटना में भी लगेगा और जगह भी लगेगा और हम लोग कोशिश करेंगे तो पहले सहरसा में। आपको हाँ सहरसा में लगेगा, सहरसा में प्रतिमा लगे इसके लिए ये आवाज उठाएंगे। अब हम सांसद से जुड़ते हैं जो हमारे मधेपुरा के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी। आइए करीने से आइए। सांसद महोदय, भोज का कार्यक्रम और यह भी एक खास मौके पर, महाराणा प्रताप सूरवीर सलाका पुरुष पुरोधा उसके पुण्यतिथि के अवसर पर आप यहां आए हैं, पूरा देश आज मना रहा है, आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? भोज भी हुआ है, महापुरुष का जो जयंती हो रहा है यह तो बहुत सराहनीय कदम है। आज के युवा पीढ़ी को भी इस सबसे सीख लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक भोज का सवाल है तो बबलू जी तो बराबर लोग को खिलाते हैं, उसी कड़ी में ये थोड़ा विरहत हो गया। ये पुण्यतिथि नहीं है सांसद जी, ये पुण्यतिथि है, जन्मतिथि नहीं, जन्मोत्सव नहीं है, ये पुण्यतिथि है। ये भाई पुण्यतिथि, हम भी तो वही कहे कि तू गलत बोल दिया। हाँ जयंती आपने कहा था। लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश को इस मौके पर? संदेश कि इन लोगों के चरित्र से सीखे और खास करके आज के नौजवान जिन्होंने अपने देश के लिए समाज के लिए जितना किए उसे तो सीख लेने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि जरूर युवा पीढ़ी तो होंगे इससे। आप सत्ता दल के सांसद हैं लेकिन पाठ्यक्रम में भी जो है महाराणा की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखेंगे सवाल को, हम भी उठाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि उनके नाम पर म्यूजियम हो, उनके नाम पर सड़क हो, उनके नाम पर महासेतु हो? चूंकि ये सूरवीर जो है 16वीं शताब्दी के हैं, आज तक हम उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं लेकिन उनको आत्मसात करके जीने की कोशिश नहीं होती है, आपको पीड़ा होती है इसकी? नहीं जरूर, देखिए जितना इनके नाम पर हो तो उनके लिए तो बहुत कम है, वो तो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए प्रेरणा की बात होगी, इसीलिए होना ही चाहिए। और इन लोग के नाम से कोई संस्था हो या बड़ा विकास का योजना हो तो काफ़ी सराहनीय होगा। ये हमारे सांसद हैं मधेपुरा के, इन्होंने साफ किया कि सिर्फ ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे जो कमियां रही हैं, चाहे पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो महाराणा प्रताप को या फिर जो है उनके नाम पर बड़ी चीजों का नाम रखा जाए, उसके लिए ये पहल करेंगे। विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी इशारे इशारे में यही कहा कि महाराणा प्रताप को अब सिर्फ जयंती और
पुण्यतिथि में कैद करके नहीं रहने देंगे, उनको आजाद करेंगे और उनको खुली हवा में रखेंगे, लोग उनको आत्मसात करके जिएंगे, ये उनका कदम होगा। इस खबर में इतना ही।